दोस्तों ये देखें, बिल्ली के बच्चे काफ़ी बड़े हो गए हैं, अब डरती भी नहीं है बिल्ली से। ये तो दोस्तों काफ़ी बड़े हुए हैं, आप नीचे जाकर देखते हैं। दोस्तों इनको इनक्यूबेटर में मैंने अंडे रखे हुए थे, तो मेरे ख्याल में बहुत कम बच्चे निकलेंगे, तक मैंने रात को चेक किए थे। अभी तो 5 दिन हुए हैं, तो अंडे चेंज भी किए, पानी भी रखा हुआ, ये इतने अंडे थे, तो इसमें से ना अब बच्चे कम निकलेंगे मेरे ख्याल में। तक जो मैं किसी से अंडे लिए थे ना, उनमें बच्चे हैं मुझे नज़र नहीं है, जो मेरे थे ना घर के अंडे, तो उनमें बच्चे हैं। अभी देखते हैं क्या बनता है, निकलते हैं कि नहीं निकलते। अभी तो 7-8 दिन हुए हैं इनको। दोस्तों अभी छत पे आ गया हूँ, तो इधर देखते हैं क्या सूरत हाल है। इनको मैंने रोटियां वगैरह डाल दी थी, ये देखें भुगई हुई। सुबह सुबह मेरा एक कबूतर था, किधर गया, फिर तो नहीं भाग गया। वो रात को मैंने दाना डालने लगा मगरब के टाइम, तो इधर से निकला तो उड़ गया। ये वाला ये जो नीला कबूतर है ना मेरा, तो सुबह सुबह आन के मैंने फिर इनको ना फिर उड़ गया। ये देखो सब जाल पे बैठे हुए हैं, वो देखो फिर उड़ गया। इसके पार बांधने पड़ेंगे आज तक। ये नया कबूतर है, इस कबूतरी के साथ लगा हुआ है, ये वाली के, ये कबूतरी है ना जो इसके साथ लगा हुआ। दोस्तों ये देखे सब कबूतर खुले हुए हैं, ये फिर आ गया वापस। एक तो ये ना डरता बहुत ज़्यादा है, फिर जाके बैठ जाता है ऊपर जाल के। और मुर्गा देखे, कालू भी ठीक है माशाल्लाह। शेरू किधर गया, इसीलिए मैं सुबह सुबह इनको छोड़ता नहीं। ये मुर्गियाँ वगैरह उधर तरबूज डाला हुआ वो खा रही हैं, और ये भी बैठे हुए हैं, बाकी ऊपर उड़ गए हैं। उनको नीचे लगा, वो कबूतर कौन सा उड़ गया मेरा। दोस्तों ये कबूतर पता नहीं किसका है, बाहर से आया नया, मेरे घर का है, मुझे समझ नहीं आ रही। वो एक मुर्गे आपस में, चलो उधर, कबूतर फिर उड़ गए हैं। दोस्तों पता नहीं, एक तो मुर्गे जब झगड़ा करते हैं ना, तो कबूतर सारे उड़ जाते हैं मेरे। वो बच्चा एक नया, वो भी ऊपर गया हुआ है, दिखाऊँ मैं आपको वीडियो में, पता नहीं। ये वाइट वाला, ये तो उस कबूतरी के साथ का, ये वो ऊपर साइड वाइट उड़ रहा है ना, वो वाला वाइट। ये दोस्तों ये नया बच्चा है, ये पहली दफ़ा उड़ा है, आ जाता है घर में, उम्मीद तो है इसकी। बाकी कबूतर इधर है, वो देखे किधर बैठा हुआ है अंडों पे, ये डर गए हैं कैमरे से, बहुत डर। बच्चा ये एक बच्चा ये बैठा हुआ है दोस्तों, और एक ये घर की कबूतरी, इसको बाहर निकालते हैं चलो। और ये एक बच्चा पकड़ा था लियाकत ने, चलो चलो उधर। तो विंडो खोली हुई मैंने जाल की तरफ, कबूतर खुद ही चले जाते हैं, ये कबूतरी को बाहर निकाल देते हैं। लक्की माशाल्लाह, उधर भी अंडे दे रहे हैं, इधर भी अंडे दे रहे हैं, हर तरफ अंडे ही अंडे। और ये देखें दोस्तों, उधर भी अंडे आ रहे हैं, वो लक्कों का एक बच्चा रह गया, उसके नाक को भी मैंने लगाया था। ये देखें ये किधर बैठा हुआ, मैं इसको ढूंढते रहता हूँ, ये बस छुपते ही रहता है। और दो बच्चे ये देखे काफ़ी बड़े हो गए हैं दोस्तों माशाल्लाह। ये कबूतर बैठे हुए हैं, और मेरे तोते भी माशाल्लाह ठीक है, दोनों बैठे हैं फ्रेश हैं। और ये गुग्गी अभी ठीक हो गई है, फ्रेश हो गई है, अभी इंशाल्लाह थोड़ा सा और वेट करके ना फिर इसके लिए एक साथी लेके आते हैं, इसका पता नहीं चला ये गुग्गी है या गुग्गा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल, ठीक ठाक है। आज का व्लॉग शुरू करते हैं दोस्तों। कबूतर मैंने खोल दिए थे, दाना वगैरह मैंने सबको डाल दिए, ठीक है ना, और रोटियाँ भी हुई थी वो भी डाल दी हैं दोस्तों, और इनको भी मैंने दाना वगैरह और रोटियाँ डाल दी हैं, इधर इसको भी दाना डाल दिया, ठीक है। ये भी खा रही है बहुत शौक से, जब से मैंने ना ये बीमार इतनी थी, पता नहीं कबूतरों के साथ आके बैठी थी, इसीलिए मेरा अब दिल कर रहा है, इतनी प्यारी लग रही है, थोड़ी साफ़ हो जाएगी
और प्यारी हो जाएगी। तो इसके साथ एक और लेके आते हैं, इसका पता चल जाएगा नाले, इसकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। ये लहसुन है, ये मैं इन बच्चों के लिए लेके आया था, इनके ना पूरे जिस्म पे लगाएंगे लहसुन वगैरह। वो चोगा दे रहे हैं माशाल्लाह, ये देखें कबूतर ऊपर बच्चों को चोगा दे रहे हैं। पहले तोते थे मेरे पास, ये वो वाले बॉक्स हैं तोतों के, तो तोते मैंने कम कर दिए दोस्त, इंशाल्लाह फिर ऐसा ऐसा लेके आते हैं। ये देखें ये इधर बैठ गए, जैसे अंडे इसी ने देने हैं, देखते हैं ये कितनी देर चलता है मेरे साथ। दोस्तों अब बारी आती है, बाहर के देखते हैं, वो एक कबूतर आया उतने है। वो पता नहीं मेरा उड़ाया या बाहर से आया है, उसकी समझ नहीं आई, वो फिर नए दो चले गए। कबूतरों की समझ नहीं आ रही मुझे, ताकि मुर्गे वगैरह जो जाल के अंदर जाके बैठ जाते हैं ना, उस वजह से ना बहुत मसला बन रहा है। मुर्गे वगैरह सब जाल के अंदर जाके बैठ जाते हैं, तो मुर्गों के लिए इस जगह पे ना मैं दरवाज़ा लगवाने लगाऊँ जाली वाला, वो इसी में बंद रहेंगे, फिर मैं कबूतर छोड़ा करूँगा इस जगह पे। ये खाली पड़ा हुआ है, तो ये थोड़ी सफाई करके ना तो इधर जाला लगाएंगे, ताकि मुर्गियाँ अंडे तो इधर ही दे रही हैं दोस्तों, अंडे वगैरह इधर ही दे रही हैं। ये देखो फिर ऊपर चले गए दोनों, वो कबूतर बहुत ऊपर जाएगा, नीचे आ जाओ। ये मेरे ख्याल में कैमरे की स्टिक से डर रहे हैं, इसी वजह से। वो बच्चा तो बैठ गया, नहीं फिर उड़ गया। दोस्तों देखते हैं कब तक वापस आते हैं। जो एक नया आया था मेरे ख्याल में वो चला गया, वो मेरा नहीं था, वो किसी का था, वो तो चला गया, इधर नहीं है। ये बाकी बैठे हुए हैं सब, वो तो ऊपर चले गए हैं, वो जोड़ा ही आज उड़ गया, उनकी समझ नहीं आ रही। ये कबूतर बच्चों को दाना दे के आ गया बाहर, वो कबूतरी इसके साथ चीनी, ये तो उड़ते काम ही है, इनकी उड़ान ही मैंने देखी, ये पास पास ही रहते हैं। ये कबूतर मेरा घर का ये वाला, और ये कबूतरी ये लगा हुआ है इसके साथ वाइट वाला, इसकी एक आंख वाइट है और एक आंख ब्लैक है। चलो उठते हैं फिर, अगर रात बाहर रह के आ गया है ना, तो इसका मतलब ये घर का पक्का है, कहीं भागेगा नहीं। बाकी देखते हैं बाकी दोस्तों क्या बनते हैं, फिर ऐसे ऐसे इनको उड़ाया करेंगे इंशाल्लाह। वो भी नया है जो ना ऊपर बैठने की कोशिश कर रहा है ना, वो भी एक कबूतर नया ही है मेरे पास। वो देख रहे हैं वो उस साइड में जा रहे हैं। दोस्तों ये देखें ये कबूतर है ना, अभी तीन कबूतर मेरे अभी ऊपर ही हैं, आ रहे होंगे आपको नज़र, मैं आपको दिखाता हूँ। वो देखें छोटे छोटे नज़र आ रहे, दो साइड में गए हुए, एक दोस्तों ये रहा कबूतर और एक ये नया उड़ गया। अब ये देखें एक ये रहा रंग लगा हुआ परम पे, और एक वाला कबूतर मेरा ये रहा और एक काला पता नहीं किधर गया। वो रात भी बाहर रहा है फिर भी अब फिर उड़ गया। एक वो ऊपर लगा हुआ, दोनों कबूतर ये रहे, एक ये रहा और एक ये रहा, ब्लैक वाला नज़र आ रहा, वो कबूतरी के साथ ही होना चाहिए उसे। बाकी कुछ तो जाल के ऊपर बैठे हुए, इनको अब मैं अंदर करने की जाल के सोच रहा हूँ, ये जल्दी अंदर हो जाए। तो वो देखो तोता आया दोस्तों, तोता उसको पकड़ते हैं, पहले हम जाएंगे अंदर, वो चला गया दोस्तों, उड़ गया तोता, कब्बे उसके पीछे लगे हुए हैं, वो जा रहा है, काफ़ी ऊँचे चला गया। इतना ऊंचा तोता जाता है दोस्तों, जाल के ऊपर बैठा था पर वो चला गया काफ़ी दूर। ये एक तो आ गया, बाकी अब दो रह गए, वो साइडों पे जाल पे बैठ रहा है दोस्तों, वो देखें वो आ रहा है।
बाहर आया है तो इसीलिए मैं इनको छेड़ लगा देता हूँ थोड़ी थोड़ी। अरे जल्दी से आगे बैठिए यार, अगर इसको घर का पता हो तो आके बैठ जाए। ये देखो दोस्तों, ये रहा। अगर आ गया तो देखते हैं। दोस्तों कबूतर तो आके बैठ गए थे ऊपर, ये देखो एक ऊपर उस साइड में बैठ गया, किस साइड में बैठ गया, अंदर पिंजरे में कबूतरों के मुर्गे चले गए थे, उनको बाहर निकाला है मैंने। देखो फिर उड़ना शुरू हो गए नए वाले कबूतर, तो इनको दाना वगैरह डाल के इनको बंद करते हैं। अंदर जाकर आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखे लग के बच्चे वगैरह तो काफ़ी ठीक है माशाल्लाह, इनके दाने वगैरह पे लहसुन वगैरह लगाते हैं। इधर भी अंडे दे दिए इसने मेरे ख्याल में, तो बदल नहीं दिए अभी। लक्की ने तो दिए हैं, वो तो देखे थे लियाकत ने। और एक ये कबूतर आ गया, बग्गू देखे किस जगह पे बैठा है। चलो दोस्तों वीडियो इसी के साथ ख़त्म करते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर फॉलो कर दिया करें, और लाहौरी मिनी ज़ू 96 को सब्सक्राइब कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।